हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जो कि हमारा सीरीज नंबर 6 है। तो बढ़ते हैं। ये एनवायरनमेंट की प्रीवियस डे क्वेश्चन था, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एसोसिएटेड विथ। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेधा पाटकर। क्या होगा? मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन को सेव द नर्मदा मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, सेव द नर्मदा मूवमेंट। ओके, सेव द नर्मदा मूवमेंट के नाम से। ओके, ये किसके विरुद्ध में कहा गया था? जो सरदार सरोवर डैम होता है, कहाँ? नर्मदा रिवर के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर जो डैम है, उसकी हाइट को बढ़ाने की जो बात चल रहा था, उसी की बेस पे क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। ओके, नर्मदा रिवर के बारे में कहा जाए तो नर्मदा रिवर जो होता है, कहाँ से आपका, एक तरीके से आपका रिफ्ट वैली क्रिएट करता है। क्या? रिफ्ट वैली क्रिएट करता है, रिफ्ट वैली क्रिएट करता है नर्मदा रिवर। आप देखेंगे जबलपुर में मार्बल फॉर क्रिएट करता है, जबलपुर में, कौन सी? जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है, तो उसमें क्या है, मार्बल फॉल क्रिएट करता है, मार्बल फॉल क्रिएट करता है। ओके, इसके अलावा बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा बहुत देखते हैं, जो कि एम एस स्वामीनाथन है, इनको हम किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ओके, ये केवल आपका फूड ग्रेन के ऊपर कहा गया था। ग्रीन रिवोल्यूशन का स्टार्ट किया गया था ये 1966 में। कब? 1966 में। कौन सी इलाका के अंदर? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर। ग्रीन रिवोल्यूशन के चलते क्या, कि एक तरीके से हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, इसके बारे में कहा गया था, इरिगेशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट आप सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बात करें, ये एसोसिएट करते हैं चिपको मूवमेंट के साथ। कौन सी? चिपको मूवमेंट के साथ। ओके, और ये चिपको मूवमेंट कब शुरू किया गया था? ये किया गया था आपका 1927 को, 1927 को। ओके, और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किया गया था आपका 1985 में, 1985 में। ओके, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर। ऑप्शन ए एन, बी ए एम, सी आर एफ डी, डी एस एन ए आर सी। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एस एन ए आर सी। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था मिंस्की, किसके द्वारा? मिंस्की एंड एडमंड के द्वारा, एडमंड के द्वारा। कब बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका 1956 में। कब? 1956 में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू इज दैट व्हाट डज ई प्रोम स्टैंड फॉर। ई प्रोम स्टैंड फॉर, ऑप्शन है इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सी इवैल्यूएबल फिलोटिक्स रैंडम ऑप्टिक्स मेमोरी, डी एवरी पर्सन रिक्वायर्ड वन माइंड। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ई प्रोम क्या है? एक तरीके से आपका मेमोरी है। किस प्रकार का मेमोरी? रोम है, रीड ओनली मेमोरी है। ओके, ये क्या कर सकता है कि एक तरीके से डाटा कभी लॉस नहीं होता, जब भी आप करंट बंद हो जाता है, अर्थात मतलब आप बोलेंगे पावर सप्लाई कट ऑफ होता है, पावर सप्लाई जब बंद हो जाता है तो जो डाटा होता है वो कभी लॉस नहीं होता, जो डाटा होता है वो कभी लॉस नहीं होता। ओके, इसके अलावा इसकी जो ईप्रोम में जो डाटा होता है वो रिटेन कितने साल तक हो सकता है? रिटेन 10 से 20 साल तक देखने के लिए मिलता है, अर्थात ईप्रोम में जो डाटा आप रखते हो लगभग 10 से 20 साल तक वो रह सकता है। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हिच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज एमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए टेराबाइट, बी मेगाबाइट, सी किलोबाइट, जी गीगाबाइट। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए टेराबाइट, जिसको हम टीवी के नाम से जानते हैं। नीचे जो है आपका मेगाबाइट जो होता है एमबी, किलोबाइट जो है आपका केबी, और गीगाबाइट जो है आपका जीबी। इन चारों में से सबसे छोटे कौन सा है? ये आपका स्मॉलर यूनिट जो होगा वो होगा आपका केबी। ओके, मतलब हम इसको ए भी कह सकते हैं कि वन के बी इक्वल टू, वन के बी इक्वल टू 1024 bytes। ओके, उसी तरह हम किसके बारे में कहेंगे, एमबी के बारे में कहा जाए तो 1024 KB इक्वल टू 1 MB, इक्वल टू 1 MB। उसी तरह वन जीबी इक्वल टू कितना होगा, 1 GB इक्वल टू 1024 MB होगा। ओके, उसी तरह 1 TB इक्वल टू 1 TB इक्वल टू 1 TB इक्वल टू 1024 GB होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड। ऑप्शन ए पोलिश, बी मिस्टेक, सी बॉक्स, डी स्पैम। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बॉक्स। क्या होगा? बॉक्स होगा। ओके, इसके अलावा एक ऑप्शन आपको दिखने के लिए मिला होगा स्पैम। ये क्या करता है? अनवांटेड या अनसोलिसिटेड जो डिजिटल कम्युनिकेशन करता है, जो अलग अलग तरीके से भेजा जाता है, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे मैसेज हो, या चाहे आपका फोन कॉल हो। क्या अनवांटेड? अनवांटेड जो मैसेज या जो टेक्स्ट होता है, या टेक्स्ट, इसके अलावा आपका जो कॉल होता है किसके द्वारा? स्पैम के द्वारा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टेली वॉच डेवलप्ड बाय। ऑप्शन ए SCL, बी TCS, सी इंफोसिस, डी विप्रो। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी TCS। TCS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ TCS? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। क्या होगा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ओके, उस तरह SCL का फुल फॉर्म क्या होगा? हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। ओके, ये TCS की स्थापना कब किया गया था आपका? ये किया गया था आपका 1986 में। पहली बार TCS के द्वारा क्या टेली का इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस टेली का जो इंट्रोड्यूस जो किया गया था उसका पहले की जो नाम था वो था आपका प्यूटोनिक्स। क्या है? प्यूटोनिक्स। लेकिन एक्चुअल में उसका नाम प्यूटोनिक्स से हटा के टेली जो रखा गया था वो रखा गया था आपका 1988 में। और ये जो टेली टाटा कंसल्टेंसी सर्विस किसके द्वारा शुरू किया था? भारत गोयनका के द्वारा। किसके द्वारा? भारत गोयनका। ओके, इसके अलावा SCL के बारे में कहा जाए तो SCL की जो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका? नोएडा। कहाँ है? नोएडा के अंदर है। और एक कब एस्टेब्लिश किया गया था? एक किया गया था आपका 1976 में। कब? 1976 में। इसके अलावा ऑप्शन सी में इंफोसिस है, एक तरह का आपका क्या है? इंडियन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी। इंडियन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। कहाँ है?
बेंगलुरु। ओके, और कहाँ इसको फाउंड किया गया था? पुणे के अंदर। कहाँ? पुणे के अंदर। कब? 1981 में। विप्रो के बारे में कहा जी, ये भी एक तरह का आपका मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। हाँ, ये इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है आपका? बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर हेडक्वार्टर। ओके, ओनर कौन है? ओनर कौन है यहाँ? ओनर जो है अजीम प्रेम जी। कौन है? अजीम प्रेम जी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। HTML इज बेसिकली यूज टू डिजाइन ए वेब पेज, बी वेबसाइट, सी ग्राफिक, डी टेबल एंड फ्रेम। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वेब पेज। किसके क्या डिजाइन करते हैं किसको? बेसिकली जो HTML, जो होता है, कौन सी चीज को डिजाइन करता है? वेब पेज को। फॉर द फुल फॉर्म ऑफ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, HTML का जो फुल फॉर्म है वो है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज एन इमेज फाइल फॉर्मेट? ऑप्शन ए डॉट AVI, बी डॉट MOV, सी डॉट MP4, डॉट JPEG। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी डॉट JPEG, डॉट JPEG। तो JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट, सॉरी हाँ एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होगा? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? JPEG। MOV और MP4 जो होता है ये आपको वीडियो के लिए देखने के लिए मिलता है। क्या है? वीडियो के लिए। और डॉट AVI जो फाइल फॉर्मेट जो होता है ये बोथ ऑडियो एंड वीडियो के लिए, बोथ ऑडियो एंड वीडियो के लिए। ओके, AVI का फुल फॉर्म क्या होता है? AVI का जो फुल फॉर्म है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। क्या होगा? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने, क्वेश्चन नंबर 8। मैन इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स लोकेटेड ए डिफरेंट साइट विद इन ए लार्ज फिक्स्ड एरिया सच एज ए सिटी। इट स्टैंड फॉर ऑप्शन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बी मैनुअल एरिया नेटवर्क, सी मार्जिनल एरिया नेटवर्क, डी मैक्सिमम एरिया नेटवर्क। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, ये एक तरीका आपका नेटवर्क है। नेटवर्क भी कितने? तीन प्रकार का। एक रहा आपका मेन, दूसरा रहा आपका लैन, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे इलाका में। और नेट जो होता, एक रहा लैन, दूसरा रहा मेन, तीसरा रहा आपका वैन, जिसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सी? वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रेवल इन ईमेल इज? ऑप्शन ए एड्रेस बॉक्स, बी मैसेज बॉक्स, सी एड्रेस बुक, सी मैसेज बुक। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एड्रेस बुक। कहाँ रिट्रेवल होता है? आपका एड्रेस बुक में। क्या है? एक तरीके से आपका डाटा को स्टोर किया जाता है या कोई इंफॉर्मेशन मिलता है। मैसेज बुक क्या होता है? एक तरीके से आपका मैसेज बुक जो होता है कंटेन करता है मैसेज को, कंटेन द क्या मैसेज। इसके अलावा आपका मैसेज बॉक्स क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ
स्पेशल टाइप ऑफ विजुअल बेसिक विंडो? विजुअल बेसिक विंडो विच यू कैन डिस्प्ले ए मैसेज टू द यूजर। यहां क्या होता है, डिस्प्ले होता है क्या, व्हाट डिस्प्ले मैसेज टू द यूजर, किसको, यूजर को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, नाइन इज दैट बी आई टी स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बी बाइनरी ट्री, सी बाइनरी डिजिट, डी बाइवेरिएट थ्योरी। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाइनरी डिजिट। क्या कहा जाता है, बिट का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा आपका बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट कौन कौन सा है, जीरो और क्या है, वन। ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहां, इलेवन, और इलेवन है आपका हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी डेनिस रिडची, सी जेम्स गोसलिंग, डी नॉन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर को अलग अलग नाम के हिसाब से साइज के आधार पे नामकरण भी किया गया है। एक रहा आपका माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। क्या है, सुपर कंप्यूटर। ओके इसमें ऑप्शन क्या है आपका, डेनिस रिची भी है जो अमेरिकन कंप्यूटर साइंस से, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है जो क्या बनाए थे, इनके द्वारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने के लिए मिला था, क्रिएट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके ऑप्शन सी में जो है आपका जेम्स गोसलिंग एक कनाडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट। ओके जो एक तरीके से आपका फाउंडर एंड लीड डिजाइनर बिहाइंड द जावा लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि भाई इनके जो एक तरीके से क्या है, फाउंडर है कौन, जेम्स गोसलिंग। ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 इज डेक्स इज ए सेल बाउंड्री दैट स्पेसिफाई व्हिच सेल इज एक्टिव एट दैट मोमेंट। ऑप्शन ए कॉलम, बी रो, सी सेल पॉइंटर, डी नॉन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेल पॉइंटर। क्या होगा आपका, सेल पॉइंटर। एक्टिव जो जो सेल के बारे में कहता है ये केवल आपका स्प्रेडशीट में देखने के लिए मिलता है, कहां स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट कहां होता है आपका, एक्सेल के अंदर, कहां होता है आपका, एक्सेल के अंदर। ओके नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। ऑप्शन ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली सी लैंग्वेज, बी कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबली लैंग्वेज, सी कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, डी कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बेसिक। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाइनरी लैंग्वेज, जो कि क्या है, जीरो एंड वन, क्या है, जीरो एंड वन। इसके अलावा कंप्यूटर को असेंबली लैंग्वेज भी समझ में आता है, बट उसके लिए क्या चाहिए, असेंबली लैंग्वेज को एक असेंबलर का जरूरत होता है, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज, अर्थात इसमें असेंबल की यूज होता है जो आपका कन्वर्ट लैंग्वेज फ्रॉम असेंबली टू बाइनरी लैंग्वेज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच प्रोटोकॉल असाइन आईपी एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। आईपी, डीएचसीपी, सी आरपीसी, डी ऑल द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डीएचसीपी। क्या है, डीएचसीपी, फॉर द फुल फॉर्म ऑफ डीएचसीपी, डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है, डोमेन
होस्ट, डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आरसीपी का फुल फॉर्म क्या है? और द फुल फॉर्म आरसीपी रिमोट प्रोसीजर सेल। क्या है? रिमोट प्रोसीजर सेल। ओके, डीएससीपी का क्या है? एक तरीके की जो डीएससीपी के अंदर जो सर्वर यूज होता है, और सर्वर यूज होने के बाद जो फंक्शन करता है, अर्थात जो फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? डीएचसीपी सर्वर के नाम से जानते हैं। ओके, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप इन एमएस वर्ड? ऑप्शन ए पेज लेआउट, बी पेज रिव्यू, सी पेज मार्जिन, डी पेज साइज। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पेज लेआउट। क्या होगा आपका? पेज लेआउट, जिसमें हम पेज लेआउट की में हमको पेज ओरिएंटेशन भी देखने के लिए मिलता है। क्या है? पेज ओरिएंटेशन। एंड इट हैव टॉकिंग अबाउट द टू थिंग, वन इज दैट पोर्ट्रेट, अनदर वन इज दैट लैंडस्केप। ये दो चीज के बारे में कहता है। ओके, लैंडस्केप, और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? एम एस वर्ड के अंदर। कहाँ? एम एस वर्ड के अंदर। पेज रिव्यू का मतलब होता है, और एक रहा आपका पेज रिव्यू, दूसरा रहा आपका पेज मार्जिन, तीसरा रहा आपका साइज। साइज क्या है, मार्जिन कैसा रहेगा, पेज प्रीव्यू, जैसे आप प्रिंट लगाते तो उससे पहले आपको रिव्यू देखता है कि कैसा आप जो पेज पोर्ट्रेट या लैंडस्केप रखे हो तो कैसा वो दिखने वाला है, पहले से आपको दिखा देता है उसको, उसको हम पेज रिव्यू के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट क्वेश्चन, आज की क्वेश्चन ऑफ द डे है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है क्वेश्चन? कि MICR स्टैंड फॉर, MICR स्टैंड फॉर ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, सी मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर, डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जितना हो सके उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग करके आप लिखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।